दोस्तों आज जो है हम लोग इसका एक्टिवा 110 सीसी का हम लोग गियर बॉक्स फिटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से इसको अच्छी तरह से असेंबल करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसको क्लीन कर चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, और इनके बैरिंग में हम लोग जो है ऑयलिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है दोस्तों हम लोग इसमें ऑयलिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग का ये जो है ड्राइव शाफ्ट, इसके बैरिंग में भी हम लोग को ऑयलिंग कर लेना है। इस तरह से दोस्तों इसमें ऑयलिंग कर लेना है लोग, इसको इस तरह से ये फिट होगा दोस्तों। इसको फाइबर हथौड़े की मदद से जो है हल्का हल्का यहाँ पर हम लोग इसको, ये जो है दोस्तों हमारा बैठ चुका है पूरी अच्छी तरह से। इसको लगाने के बाद जो दोस्तों हमारा बड़ा वाला गियर शाफ्ट यहाँ पर इसको यहाँ डालना है, आखिरी वाले बैरिंग में लगेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर छोटे वाले बैरिंग में छोटा वाला गियर, ये बैठ गया दोस्तों यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से। उसके बाद जो है हमारा चक्री इस तरह से लगेगा, चक्री को लगाइए पलट के। हाँ, ये जो है दोस्तों हमारा गियर जो बॉक्स जो है असेंबल हो चुका है। अब इसका गियर बॉक्स का पैकिंग लगाएंगे और हम लोग इसको कवर लगा देंगे। ये जो है दोस्तों हमारा गियर बॉक्स का कवर है, इस बैरिंग में भी जो है ऑयलिंग कर लेना है हमको अच्छी तरह से। बस यहाँ दीजिए दोस्तों हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर ऑयलिंग हो चुका है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे। अब इसमें दोस्तों हम लोग बोल्ट से टाइट करेंगे, पलटिए। तो दोस्तों हमारा जो है गियर बॉक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है हम लोग सारे बोल्ट को टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा लें।